बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आज देखा कि मैं घर पर हूँ और आज घर के अंदर मतलब बच्चे वगैरह तो चले गए स्कूल, उनके पेपर हो रहे हैं बच्चों के और चारों बच्चों के, और बाकी मैं घर पर हूँ। अभी अभी निकलूँगा बाहर, आज छुट्टी है मेरी और कल भी छुट्टी है, तो ये घर की तरफ हूँ। और माशाल्लाह से ये बच्चों वाला कमरा है, बच्चों वाले कमरे में हूँ और ये देख लें, बच्चों का ही कमरा है, पेंटिंग वगैरह ये वो सब। और दूसरा ये है कि अब ये मैं चल रहा हूँ अपने अपने कमरे की तरफ। जैसा कि ये घर, ये देखें, ये वो वाला सहन है सामने, एक ये कमरा है, फिर उसके बाद ये सहन आ गया, ये बाथरूम है और किचन है। अब ये मैं आ गया अपने रूम में, अपने कमरे के अंदर। ये मेरा अपना कमरा है, वो बच्चों का कमरा था, और माशाल्लाह से अभी उठा हूँ। और ये कि अब निकलूँगा थोड़ा बाहर की तरफ, धूप निकली है, थोड़ा ठंड है, तो अब बाहर जाता हूँ थोड़ा धूप की तरफ। और बाहर जाते ही इंशाल्लाह ताला बाहर जैसे ही जाता हूँ तो फिर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। जैसे कि ये हमारी पीछे वाली गली है और फ्रंट साइड, माशाल्लाह से अच्छी जगह है। ये सुबह सन्नाटा होता है, सो रहे हैं, छुट्टी कर देना है। ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारा एरिया, ये गली है, एक ये जाती है मेरे उस तरफ घर की तरफ, एक ये हमारे मार्केट की तरफ है और रोड की तरफ ये गली जा रही है, ये आगे मार्केट। ये देखें, धुंध, हल्की हल्की धुंध भी अभी नज़र आ रही है माशाल्लाह से, और बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल। चलो सही, बिल्ली बैठी हुई है, सर्दी लग रही है, धूप में बैठो बैठो, कहाँ जा रही ये बिल्ली? माशाल्लाह से धूप बहुत अच्छी लग रही है और बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन धूप लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। देखें कितनी प्यारी और खूबसूरत, ठंड में तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है धूप माशाल्लाह से। ये मेरे घर कमरे के बाहर वाली साइड जो ये वाला सहन है, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक उस तरफ सहन है, एक ये सहन है, और माशाल्लाह से ये बाहर का फ्रंट है, बाउंड्री लगाई हुई है, ये बाउंड्री लगी हुई है। और ये मेरा बाहर का फ्रंट, ये मैंने खुद ही बनाया था अपने हाथ से, ये डिज़ाइन बनाए थे कलर से और सीमेंट से। और माशाल्लाह से ये फिर यहाँ से, जैसे कि ये अब मैं गया फिर अपने रूम की तरफ, ये लगता है ये सहन है और ये कमरा है, फिर आगे जाके सहन, किचन, बाथरूम, फिर आगे कमरा बच्चों का। ये दोबारा बच्चों के कमरे में आ गया हूँ और बस खास कुछ नहीं है, बस अल्लाह ने जो दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टाइम पीस लगा हुआ, ये हमारी मैडम नाजमा अथर, उनकी मैंने याद में, यादगिरी में तस्वीर लगाई हुई है, और माशाल्लाह से अपने बच्चों के कमरे में ही लगी हुई है ना तस्वीर ये मैडम नाजमा की। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी हमारे साथ, तो बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी है, स्कूलों को म्यार को भी उठाया उन्होंने, नाम है एक उनका सी ए मॉडल स्कूल टू में, एक नाम है इनका, बहुत अच्छा नाम है, और माशाल्लाह से हैं भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। ये देखें, तो ये एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है और बच्चों के बुक्स वगैरह, ये ट्राली इनके बच्चों के काम के लिए, स्कूल का काम करते हैं बैठ कर। और ये बेल मैंने वहीं से लाया था अपने स्कूल से ही, यहाँ लगाई है मैंने बोतल के अंदर, माशाल्लाह से अच्छी हो रही है और ज़बरदस्त हो रही है। ये बच्चों का ही है बस, ये सारे ना, ये टेबल वगैरह जो है ये सारा। जैसा कि आपने देखा कि मैं मैडम नाजमा की तस्वीर लगाई हुई है, वो मैम जब से मैडम गई थी तो उनकी तस्वीर मैं ले आया था और अपने घर में लगा दी थी। खैर दुनिया कुछ भी कहती है, जो कहते रहें, और मैडम भी कुछ भी समझती है, कुछ लोगों की वजह से और मुझे थोड़ा सा गलत फहमियाँ हैं, थोड़ा गलत समझती हैं। खैर हमारी तो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम तहे दिल से मैं इज़्ज़त करता हूँ उनकी और इज़्ज़त करता रहूँगा। अल्लाह पाक उनको सेहत और शफा कामला तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह पाक और उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जैसे कि मैंने दिखाया कि ये बच्चों का, जैसे ये मेरे ये बच्चों को मिली थी, और फर्स्ट आने पर मेरी बेटी है छोटी वाली, उसको मिली थी ये फर्स्ट आने पर, और ये भी मैं लाया था, और ये टाइम पीस ये भी मैडम ने ही दी थी मुझे,
मैडम नाजमा ने टाइम पीस, ये वाला टाइम पीस भी मैडम नाजमा ने दिया था मुझे, और बल्कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा ये शोकेस भी उन्होंने दिया था मुझे माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी हैं और बड़े ही ज़बरदस्त। बस कुछ लोगों की वजह से ये है कि थोड़ी गलत फहमियाँ हो गई हैं, कुछ मेरी गलतियाँ हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको खुश और आबाद रखे जहाँ भी हैं।